किशनगंज उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना के चकला खान चौक के पास बड़ी कार्रवाई की है। बंगाल से बिहार सप्लाई करने के दौरान अंग्रेजी शराब की खेप को जब्त किया है। दिलचस्प बात यह है कि जिस गाड़ी से शराब सप्लाई की जा रही थी उसमें राजनीतिक दल का झंडा लगा हुआ था। किशनगंज उत्पाद विभाग के सहायक अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार के मुताबिक इस खेप को मधेपुरा ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर दल बल के साथ घेराव कर इसे पकड़ा गया है। वाहन पर भाजपा का झंडा लगा हुआ था, जिसकी तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। गिरफ्तारी हुई हुई है चकला जो है एक खान चौक है वहाँ पे, वहीं से गिरफ्तारी हुई है। इसमें ब्लेंडर जो है शराब है, सिग्नेचर है, इंपीरियल ब्लू है और RS है। लगभग हम लोग मिलाए हैं अभी लगभग जो है 128 लीटर करीब है। इसमें अब 45 पीस RS है, IV है 58 पीस और ब्लेंडर 11 पीस, सिग्नेचर 11 पीस। कहाँ से और कैसे जा रहा है, किसके माध्यम से लेके जा रहा है? अभी सर तो माध्यम तो नहीं बताया, अभी से पूछा नहीं पता चलेगा। उन्होंने बताया कि हमको यहाँ फलना आदमी दिया और मधेपुरा में ले जा रहा है। स्कॉर्पियो से आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे कार्रवाई सर जो प्रक्रिया है, हम लोग इसको कोर्ट ले जाएंगे और रिमांड होगा। जी, पार्टी का झंडा भी लगा हुआ गाड़ी में? जी, पार्टी का जो BJP का झंडा लगाया हुआ है। BJP की झंडा लगा करके आर में जो है शराब की तस्करी को धंधा दिया गया। जी, कितने गिरफ्तार हुए? एक अभियुक्त गिरफ्तार हैं और एक स्कॉर्पियो है।